For more videos, please subscribe, like and share. नवरात्रि का सातवां दिन अर्थात माँ कालरात्रि का दिन। नवरात्रि के सातवें दिन को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि बेहद शक्तिशाली है। जो लोग विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं उसे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इन्हें शुभंकरी माता के नाम से भी पुकारते हैं। माँ कालरात्रि देखने में बहुत ही भयंकर हैं, लेकिन इनका हृदय बहुत ही कोमल है। इनकी नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि की सवारी गधर्व यानी गधा है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ है माँ सभी को आशीर्वाद दे रही है। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है। उनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र है। निचले बाएं हाथ में कटार है। आइए अब सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य शुभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया तो देवतागण परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास पहुंचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसीलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि भी कहा गई है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम लाल पुष्प रोली लगाए, माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाए और उनके आगे तेल का दीपक जलाए, माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप या सप्तशती का पाठ करें। इस दिन माँ की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से करियर संबंधी आने वाली दिक्कतें भी दूर होती हैं। वहीं जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा करने से आराम मिलता है। जिन लोगों को आग जीव जंतु भूत प्रेत का भय लगता है उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन माँ की पूजा करते समय गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। माँ कालरात्रि के मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्से 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 नमो नमः। दूसरा है ओम कालरात्रि देवे नमः और ओम ऐं ह्रीं
क्लीं चमुंडाई विचे नमः। इन मंत्रों के साथ माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दुर्गा माँ के इस रूप को शत शत प्रणाम। जय माता दी।